नहीं है। जंतर मंतर पर आज एक कुलियों का बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है और प्रदर्शन में आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे की तरफ यहाँ हजारों की तादाद में कुली आए हुए हैं और अपनी बात को रखने के लेकर यहाँ पर ये कुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो कुली हैं वो किन अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं आज हम बात करेंगे। कुछ क्या नाम है आपका? सुंदरराम जाट। अच्छा, किस किन मांगों को लेकर आप यहाँ हैं? ग्रुप डी को। ग्रुप डी, ग्रुप डी में क्या मांगे हैं आपके? एक आपको परमानेंट किया जाए, परमानेंट सरकारी नौकरी दी जाए। कहाँ से आए हैं आप? जयपुर। जयपुर से। और भी कुछ साथी हैं यहाँ पर जिनसे हम बात करेंगे। आपका क्या नाम? रिंकू यादव। यादव जी कहाँ से आए हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से। किन मांगों को लेकर आए हैं? हमको ग्रुप डी में दिया जाए, काम दिया जाए ग्रुप डी में। अच्छा, सरकार ने पहले वादा किया था कि जो कुली हैं उनको परमानेंट कर दिया जाएगा, तो आज सरकार उन पर अमल नहीं कर रही है, तो क्या इसी बात को लेकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है? हाँ जी, हाँ इसी बात को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अभी किसी से बात हुई आपकी? किसी सरकारी अधिकारी से आपकी बात हुई इस बारे में? गए थे ना रेल मंत्री के पास, गए थे। और भी बहुत यहाँ पर लोग हैं जो बताएंगे, आप बताएंगे। आपका क्या नाम? दीपा राव। कहाँ से आए आप? रायपुर। जी जी, किन मांगों को लेकर आप यहाँ हैं? ग्रुप डी की मांग। ग्रुप डी को, रेल की दर्जा चेक। तो क्या ऐसा आश्वासन आपको दिया गया था कि आपको परमानेंट कर दिया? ये ऐसा आश्वासन उन्होंने ऐसा नहीं दिया गया था, लेकिन हमारे पूरी उम्मीद जगी हुई, उम्मीद की किरणें जगी हुई है यहाँ पे, क्योंकि हम उम्मीद लेके आए हुए हैं और हमारी उम्मीद की किरणें आज जगी हुई है। उम्मीद की किरणें जगी हुई। तो यहाँ पर तमाम जो है वो कुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक उम्मीद के साथ आज यहाँ से जाएंगे वो, क्योंकि उनकी बात जरूर हुई है रेल मंत्री से और उन्हें आश्वासन भी दिया गया है कि उन्हें ग्रुप डी में कर दिया जाएगा। कैमरामैन मनोज के साथ तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम, जंतर मंतर, दिल्ली।